जिले में खुलेआम सरपंच, सचिव व रोजगार सहायकों का बोलबाला है। यहाँ तक कि जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन भी पंचायतों के कार्यकाल को नहीं देख रहे हैं, जिस कारण हितग्राहियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और कुबरपुरा पंचायत के हितग्राहियों ने जनपद सीईओ को भी अवगत कराया गया, यहाँ तक कि पत्रकारों को भी जानकारी दी गई। जब 15 मार्च ग्राम पंचायत कुबरपुरा अंतर्गत ग्राम खेरी के रोजगार सहायक बलवंत सिंह घोसी से जब पंचायत की जानकारी पत्रकारों द्वारा मांगी गई, तो रोजगार सहायक बलवंत सिंह के द्वारा पत्रकारों से अभद्रता एवं पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी एवं पत्रकारों के ऊपर झूठी FIR करने की धमकी दी तथा जान से मारने की धमकी भी दे डाली। वहीं उनके साथ गोविंद लोधी के द्वारा भी अभद्रता की गई, जिसमें उक्त लोगों के विरुद्ध भगवा थाना जाकर समस्त पत्रकारों ने आवेदन दिया, मगर न्याय नहीं मिला। तब पत्रकारों ने 22 मार्च को पुलिस अधीक्षक छतरपुर को आवेदन दिया, जिसमें आरोपियों के द्वारा पत्रकारों के साथ की गई अभद्रता के कारण उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। आए क्योंकि हम पत्रकारों के साथ कुंवरपुरा का जो रोजगार सहायक और सरपंच प्रतिनिधि गोविंद लोधी है, उसने हम पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी। जब पंचायत संबंधी जानकारी उससे मांगी गई, ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि हमारे मतलब जो कुंवरपुरा पंचायत है उसमें लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे थे। जब मीडिया उसकी जांच करने के लिए ग्राम पंचायत में पहुंची, तो जो रोजगार सहायक था और सरपंच प्रतिनिधि गोविंद लोधी था और रोजगार सहायक बलवंत सिंह घोसी थे, तो उन लोगों ने जब हम उन पंचायत संबंधी जानकारी मांगी गई, तो उन लोगों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और अपनी हम लोग फोर व्हीलर से थे, हम लोग सात पत्रकार थे और हम लोगों का पीछा उन्होंने टू व्हीलर से बाहर किया, जिसका ज्ञापन हम लोगों ने भगवा थाने में दिया था। तो आज SP महोदय लोग हम लोग समस्त पत्रकार एकजुट होकर SP महोदय लोग पत्रकारों के साथ हुए अन्याय की मांग करने के लिए आए।